ये कोई एयरपोर्ट नहीं है, ये तो जौनपुर जिले से करीब 35 किलोमीटर दूर खाखोपुर गांव है। इस गांव को एयरपोर्ट का स्वरूप किसी वैज्ञानिक या इंजीनियर ने नहीं बल्कि इस गांव के ही कक्षा 7 के छात्र दीपक ने दिया है। इलाहाबाद मार्ग पर स्थित मछली शहर तहसील के खाखोपुर गांव के निवासी रामधारी पटेल का 14 साल का बेटा दीपक पटेल बचपन से ही हवाई जहाज बनाने का शौक रखता था। उसने 3 साल पहले गूगल पर सर्च करके हवाई जहाज बनाने का तरीका सीखा और उसके बाद जहाज बनाने की तैयारी में लग गया। इस रिसर्च में उसके हजारों रुपए बर्बाद हो गए, इसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, जिसका परिणाम है कि आज उसका सपना साकार होकर आकाश की ऊंचाइयां छूने को आतुर है। नेट पर सर्च किया था, जैसे कि हवाई जहाज उड़ते हुए हमने देखा, इसी से हमने सोचा कि हम भी बनाए। छोटे छोटे खिलौने भाग मतलब रिमोट द्वारा बोलते थे, तो हमने सोचा हम भी मोटर लगाएं बनाएं। अपने बेटे की प्रतिभा को भांपते हुए पिता रामधारी पटेल ने पूरा साथ दिया। बेटे के कहने पर वह दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगा कर देते रहे। आज बेटे की सफलता पर उन्हें नाज है। 3 साल से बना रहे भाई, और यही जो मेले में खिलौने मिलते थे इससे खेलता था, खेलते खेलते बनाना बिगाड़ना चालू किया। फिर थोड़ा मुझे अच्छा लगा तो मैंने इससे पूछा क्या चाहिए क्या नहीं कैसे, तो इन्होंने कंप्यूटर पे देख के इसे बोला, तो मैं सामान मंगवाया और बनाया। इन्हें दीपक का जहाज जब रनवे पर दौड़ा तो देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। पल भर में दीपक का सपना आसमान में उड़ने लगा। 14 साल के मासूम का कारनामा देखकर सभी उसके कसीदे पढ़ते हुए सरकार से मांग करने लगे कि ऐसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को कोई योजना बनानी चाहिए। और सरकार से ये गुहार है कि ऐसी प्रतिभाओं के विकास के लिए कोई योजना बनाए या कोई इस तरह का कार्यक्रम दे कि इस जैसे बच्चों को सहायता मिले और ये भविष्य में और अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सके। मात्र 14 साल की उम्र में इस तरह की प्रतिभा के धनी दीपक देश का भविष्य है। दीपक के इस हुनर को आगे बढ़ाना चाहिए और जहाज की ही तरह देश को भी ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहिए। दीपक जैसे कई छात्र हमारे देश का भविष्य है और ये भविष्य उज्ज्वल भी यही बनाएंगे। विश्व प्रकाश श्रीवास्तव, APN जौनपुर।